आ गए घर पे। तो अब देखते हैं कि घर पे क्या है इनका सीन, घर का डेकोरेशन कैसा है। घर का तो क्या आपने तो अभी ससुराल का देखा, यहाँ का तो अभी पता नहीं है। ढोल आ गए, ढोल वाले भले ही हैं, यहाँ पे भी भीड़ तो है। चलो देखते हैं अंदर क्या है। तो घर पे आते नहीं पता था कि क्या प्रिपरेशन है, यहाँ पे क्या चीज़ करने वाले हैं। मेरे लिए सब कुछ सरप्राइज जैसा ही था। तो आए और हमने देखा यहाँ घर के बाहर बहुत सारे फूल बिछा के रखे हुए हैं। पापा यहाँ पे फूल जमा रहे हैं। तब तक मैं मतलब साइड में थी, आई नहीं थी। भरत जी और ये लोग थे और ये सब प्रिपरेशन थोड़ा बहुत बाकी था तो ये लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे ये इतने सारे गुलाब के फूल लेके आए थे, पूरा टब भर के गुलाब के फूल थे और यहाँ पे ये सब डेकोरेट कर रहे हैं। आप भी IPL देखते हैं? IPS तो देखो ही नहीं बल्कि वहाँ पे जाके अपने ओपिनियन देके काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेज जीत सकते हो, वो भी lotus365.in पे। यहाँ पे रजिस्टर करने के आपको 365 rupees बोनस मिलते हैं। क्रिकेट से रिलेटेड 50+ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि हु विल विन द टॉस, हु विल विन द मैच, उसका आपको आंसर करना होता है। इसमें डायरेक्ट कस्टमर 1-to-1 सपोर्ट मिलता है। एक और चीज़, इसमें 200+ अदर गेम्स भी होते हैं जिसमें भी आप अपने ओपिनियन देके काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेस जीत सकते हो। अगर ब्रांड एम्बेसडर की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके ब्रांड एम्बेसडर है काजल अग्रवाल, उर्वशी रौटेला, सुनील शेट्टी, काजल शर्मा, नवाजुद्दीन सिद्दीक। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जल्दी से जाएँ डाउनलोड करें और अपनी ओपिनियन देके काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट प्राइजेस जीते। सो गो गाइस। तो जो मेरे गोद में मतलब जो भी मिठाई वगैरह झेलाई है, ये गोद में तब तक रखते हैं जब तक पीहर में घर पे नहीं आ जाते, मंदिर में दर्शन नहीं कर लेते। और दर्शन करने के बाद में भाभी या फिर मम्मी
इनको झिलाया जाता है, ये डायरेक्ट इसको ज़मीन पे भी नहीं रखा जाता था। अंदर आते हुए बहुत अच्छे से वेलकम हुआ, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब इतना अच्छे से वेलकम किया ससुराल में, इतना अच्छा डेकोरेशन किया, यहाँ पे इतना अच्छा डेकोरेशन किया, सब जगह मैं इतनी खुश हुई ना। और ये सारे हमारे घर के रिलेटिव्स हैं जो आए थे, मीन्स लेडीज़ आती हैं गीत गाने के लिए और गीत गाती है, तो ये सारे प्रोग्राम आज के दिन पे वहाँ से आई थी, उसके बाद में यहाँ स्टार्ट हो गए थे। तो यहाँ पर मैं हाथ जोड़ के भगवान के आगे फिर प्रार्थना करते हैं कि हमें सही सलामत लाने के लिए वो सब ऐसी सारी चीज़ें चलती है, तो हाथ जोड़ के उसके बाद में जो ये मेरी गोद में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी मैं भाभी को या मम्मी को झेला दूँगी। अभी तो यहाँ हम थोड़ा बहुत फंक्शंस वगैरह से फ्री हुए, शाम के बज गए 6 और यहाँ बना रहे थे वीडियोस वगैरह। वीडियोस बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को टाइम मिला नहीं था, हमारा मुहूर्त 1 बजे का ही था तो इतना मैनेज नहीं कर पाए थे, तो यहाँ पे हमारा वीडियोस वगैरह का सारा काम चल रहा था। अच्छा मतलब लेडीज का सब गड्ढा इतनी मेहनत करके इसको छोड़ना पड़ेगा, रानू छोड़ना पड़ेगा इसको, ठीक है अभी टाइम पे आ जाना, ओके है ना, लेडीज पे मत डालना अब, अरे एक बार ब्लॉग में जी को बिठा दो ना, हां हां आओ बैठो, अरे बैठो, मैं ब्लॉग बना रहा हूं मैं, अरे इसमें आपको आना है, नहीं नहीं ये बना देंगे, ये बना दो ना, उसमें इनको ले लेना, अरे आगे बैठेगा, ये चालू है ना दादा जी, वीडियो ऑन है ना, वीडियो ऑन ही है ना, हाँ
के बज गए 9 और सब गेस्ट गए, घर पे आ गए। अब मेरी हिम्मत इतनी सी भी नहीं है कि मैं उठ के मेरा मेकअप भी साफ कर लूँ। मन तो हो गई एकदम रेडी, मेरी तो चूड़ी खोलने की भी हिम्मत नहीं है। अब पता है एक टाइम ऐसा आया कि बस मेरी इच्छा ही ख़त्म हो गई कि आगे ब्लॉग ही रिकॉर्ड नहीं करना, तो मैंने किया ही नहीं। इतना इरिटेट हो जाता, थक जाता यार, सही में बहुत बहुत थक जाता है। खाना खाया, अब लेटे है। बाकी जो भी बात करनी होगी वो मैं अगले दिन बात करके आपको बता दूंगी आराम से, फिलहाल तो बस सोऊंगी। कैसा लग रहा है मुन्नू? बहुत ही भारी पन। बहुत थक गए हम, सोने के बाद में जन्नत में रही हमें। मेरी तो आंखें भी नहीं खुल रही, और ऐसा लेंस लगा है, बाप रे भयंकर।